नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। एक्चुअली मैं एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर दिया था अमेज़न से, तो आज ये मुझे डिलीवरी हो चुका है, तो उसको आज अनबॉक्सिंग करेंगे। और एक्चुअली ये जो स्मार्ट वॉच था नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट, तो चलिए क्विकली इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, देख सकते हैं नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट। ये एलेक्सा बिल्ड इन है, जो कि घर का स्मार्ट वॉच भी, स्मार्ट एसेसरी भी, आप स्मार्ट डिवाइस भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा सील्ड पैक है। सो आप यहां पे देख सकते हैं ये जेट ब्लू कलर का है, और इसमें हमें 1.5 इंच टच स्क्रीन मिलता है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर मिलता है, 5 to 7 days का बैटरी लाइफ मिलता है इसमें, और इसका जो रिजोल्यूशन है 320x360px का रिजोल्यूशन है, स्ट्रेस मॉनिटर भी इसमें है, और 5 ATM वाटरप्रूफ है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग भी है जो कि पीरियड्स में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एलेक्सा वॉइस सर्विस भी है इसमें, और क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और कैसे दिखता है। तो इसको मैं अमेजन से परचेस किया था। एक्चुअली इसका प्राइस था 4500, पर ऑफर में मुझे ये मिला था 3500 पे। इसमें कुछ इस तरह से पेपर डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है नॉइस का। आई थिंक ये वारंटी कार्ड है, रजिस्टर ईयर वारंटी, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, मैनुअल वगैरह दिया हुआ है इसमें, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम अपना वॉच को देख लेते हैं। वाह, देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। और इसके साथ में हमें ये चार्जर्स, चार्जिंग केबल है ये, सबको हम साइड कर देते हैं। तो मैग्नेटिक चार्जर इसमें मिल जाता है हमें। ओके, मैं ये ब्लू कलर का ऑर्डर दिया था, तो उसी कलर का ही मुझे डिलीवरी हुआ है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें नॉइस का लोगो है, और ये चार्जिंग पोर्ट हो गया, इसमें कुछ सेंसर्स वगैरह भी है। तो ये जो स्ट्रैप है ये रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप दूसरा जो स्ट्रैप चाहिए उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिप दिया है, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है फंक्शन बटन लॉन्ग प्रेस टू टर्न ऑन, इसको आप लॉन्ग प्रेस करने से टर्न ऑन होगा, पर इसमें लिखा है प्लीज चार्ज टू एक्टिवेट द वॉच बिफोर यू यूज इट, यूज़ करने से पहले इसको पहले चार्ज करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं वो कितना अच्छा दिख रहा है, और बहुत ही खूबसूरत है डिस्प्ले भी। तो इसको मैं पहले पहन के देखता हूँ कैसे दिखता है। तो हम अभी पहले चार्ज में लगा देते हैं,
वाह, देख सकते हैं चार्ज चालू हो गया है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद में हम इसको फिर ऑन करके देखेंगे कैसे लगता है। तो आप देख सकते हैं 100% चार्ज हो चुका है। तो अभी हम चार्जर को डिस्कनेक्ट करते हैं और सेटअप करके देखते हैं स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल ऐप के साथ। सो दोस्तों, मैं ये वॉच को एक दिन यूज़ किया कम्प्लीटली। तो यूज़ करने के बाद में जो इसका एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा इसका। तो इसका थोड़ा ये ऑपरेटिंग में आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। आप उसका टच स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, जैसे आप मोबाइल में टच करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है और काफ़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा और एक्यूरेटी भी बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छा है, जितना आप स्टेप चलेंगे उतना ही दिखाते हैं और SPO2 वगैरह बुकिंग वगैरह सब ठीक ठाक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज करने के लिए भी है। और स्लाइड करने से आपको स्टेप्स कितना आप चले हैं सारी चीज़ दिखाता है। ये BPM का रेटिंग है, आउटडोर वॉकिंग, और ये आ गया सिंबल एलेक्सा का। और ऊपर से स्वाइप करने से आपको बहुत सारा मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आता है मैसेज आता है वो सारा चीज़ इसमें दिखाता है। आप कोई भी मैसेज जैसे रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं एक सैम्पल के लिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, आप देख सकते होंगे ये मेरा एक टेक्स्ट मैसेज आया था एयरटेल से जो इस तरह से कुछ है। उस तरह से बाकी व्हाट्सएप मेल इसमें सेटिंग है मोबाइल में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि कैसे उसको करना है। वहाँ से आप जिसको आप सेटिंग करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, जिसको इनेबल करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपका गोल क्या है, स्पॉट मोड्स, काफ़ी कुछ स्पॉट मोड्स मिल जाता है इसमें हमें, एलेक्सा, हार्ट रेट्स, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस लेवल भी मैं देखा उसको मोबाइल पे, मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रेस लेवल कैसे रहा। ये इसमें अलार्मिंग भी दिखाता है, अलार्मिंग आप जितने में सेट करना चाहेंगे उतना में अलार्मिंग दिखाएगा। स्लिप मोड है, वेदर है, वेदर में इसमें आपको दिखाएगा पूरा। और म्यूजिक कंट्रोल भी इससे बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको म्यूजिक भी प्ले करके एक सैम्पल म्यूजिक प्लेयर अभी ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्ले होता है। जैसे हम इसमें, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल के साथ में मेरा एक कनेक्टेड है ये ब्लूटूथ के जरिए से। तो इसमें जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, देख सकते हैं पॉज हो गया, प्ले हो गया। और इसमें साउंड कम बेसिक करने का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं साउंड इसमें ऑप्शन दिखा रहा है साउंड कम बेसिक करने का भी। यहां से आप म्यूजिक कंट्रोल पूरा कर सकते हैं, साउंड अभी ज्यादा हो गया, हम कम कर दिए अभी। तो हम अभी इसको पॉज कर देते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। इसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, स्टॉपवॉच है, टाइमर है और फाइंड माई फोन, ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। मोबाइल अगर आपका कहीं पे रह गया है और आपको पता नहीं चल रहा है तो फाइंड माई फोन ये एक ऑप्शन है। जो सेटिंग का भी ऑप्शन है आप इसमें देख सकते हैं, वेस्ट वेक है और इसमें एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है। फ्लैश लाइट इसमें क्या है, ऑन करने से थोड़ा सा ज़्यादा लाइटिंग होता है। वॉच फेसेस आपको वॉच फेस जो भी आप रखना चाहेंगे आप उसको रख सकते हैं, इसमें मल्टीपल वॉच फेस भी मिल जाता है। और इसका जो ऐप है, ऐप आप देखेंगे तो ऐप में ज़्यादा मिलता है। मैं आपको ऐप दिखाऊंगा कि ऐप में कैसे रहता है। और इसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पावर ऑफ, रिस्टार्ट, रीसेट, हेल्प, अबाउट, तो ये सारा चीज़ का ऑप्शन है।
तो आपको पहले करना क्या होता है, जब आप उसको ऑन करेंगे मोबाइल में आपको इस तरह का एक ऐप मिलेगा नॉइज फिट असिस्ट, आप देख सकते हैं मेरा उंगली जहाँ पे पॉइंटेड है नॉइज फिट असिस्ट, या आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं एक दिन यूज़ करके इसको देखा हूँ तो ये इस तरह का कुछ दिखा रहा होगा। सो इसके साथ में देख सकते हैं नॉइज प्रो 3 असिस्ट, इसको मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। तो वॉच फेसेस ऑप्शन ऐसा आ रहा है, माई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह यूजर इंटरफेस बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाता है इसमें, स्पोर्ट्स का है, कस्टम में भी आप रख सकते हैं, एनालॉग वॉच फेस भी है, काफ़ी कुछ है। तो एलेक्सा के साथ में ये मेरा कनेक्टेड है, कॉल रिमाइंडर ऐप, हेल्थ मॉनिटरिंग, इसमें हर एक चीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे HR मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, इसमें क्या क्या आप सेंसर इनेबल करना चाहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर का इनेबल भी आप कर सकते हैं। ओके और लेडीज़ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैंड वॉशिंग रिमाइंडर, एवरीथिंग है इसमें। सो काफ़ी अच्छा डिवाइस है, स्मार्ट वॉच ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल में अभी ऑफ कर दिया, ये इसमें एक ऑप्शन है फाइंड माई फ़ोन का, जैसे आप मेन्यू ओपन करते हैं उसमें एक ऑप्शन आएगा फाइंड माई फ़ोन में, आप जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल अगर कहीं पर आप करेंगे तो इसमें देख सकते हैं मेरा मोबाइल में जो रिंगटोन सेट किया हूँ वो बजने लगा, पॉज हो गया, फिर पॉज हो गया। तो इस तरह से ये एक अच्छा सेटिंग है। और ये तो कुछ और भी ऑप्शन है। सो फाइनल मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाना चाहता था, जैसे कि आप डिवाइस में सेटिंग में जाने से आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डिवाइस में आप मैसेज नोटिफिकेशन किसका ऑन रखना चाहते हैं, जैसे कैलेंडर, ईमेल्स, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर एक का उसमें नोटिफिकेशन आप जिसका चाहें उसका ऑन कर सकते हैं, इतना सारा आप ऑप्शन आपको मिलता है। और ये इसमें स्मार्ट स्पोर्ट्स मोड भी है। डिवाइस सेटिंग देखेंगे तो उसमें फाइंड माई फ़ोन का आपको ऑन रखना है, म्यूजिक कंट्रोल आप इनेबल करना चाहते हैं कि डिजेबल, आप यहाँ से कर सकते हैं ऐप के जरिए से, लिफ्ट योर रिस्ट टू टर्न ऑन द स्क्रीन, ये भी सब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आप जो इनेबल करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। और बीच बीच में डिवाइस अपग्रेडेशन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता रहता है, तो जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो और भी काफ़ी कुछ इंटरफेस और वॉच फेसेस, अदर भी सेटिंग्स वगैरह, फीचर्स वगैरह मिल जाता है। तो ये था कुछ डिटेल्स इस वॉच के बारे में, और उसका जो रिलेटेड जो ऐप है नॉइज फिट असिस्ट, इसके बारे में था। अब इसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है ऐड डिवाइस, या स्कैन क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं ऐड डिवाइस। जब ऐड डिवाइस करेंगे तो आपको मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच को नज़दीक में रखने से ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से वो पेयर हो जाते हैं, जिससे कि बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह कुछ है जो आप यूज करते करते और भी बहुत सारी चीज़ आप जान सकते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।